सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है मोदी का परिवार, लेकिन उसके बाद जो विरोधी हैं वो कई तरीके के स्लोगन दे रहे हैं। और आज एक और ट्रेंडिंग में है मोदी का असली परिवार, और ये असली परिवार कौन है इसे लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं, वो अलग अलग लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। कोई जिनके ऊपर आरोप पहले कई गंभीर और जो है आरोप बीजेपी के उन तमाम नेताओं के ऊपर लगा था, जिन आरोपों के वजह से भाजपा की बदनामी हुई थी, उन लोगों से तार जोड़ते हुए, उनसे संबंध जोड़ते हुए बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का रिश्ता इनसे भी रहा और ये प्रधानमंत्री के असली परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार अब बंगाल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, सेवा दल के जो हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली परिवार की चर्चा की है। कई तस्वीर इसमें दिख रहा है, तस्वीरों की पहले चर्चा कर लेते हैं। इसमें जय पंडा है, जमीन घोटाला इनके ऊपर आरोप लगा है, नारायण राणे हैं इनके ऊपर भी लैंड घोटाला लगा हुआ है, हेमंत विश्व शर्मा शारदा घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान बयापम घोटाला, बीएम बोमोई, छगन भुजबल महाराष्ट्र के अंदर सदन घोटाला इनके ऊपर है, रघुवर दास के ऊपर टी शर्ट घोटाले की चर्चा की गई है, हसन मुशरिफ 1500 करोड़ का घोटाला का आरोप लगा है, अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला का आरोप लगा है, पवन खांडू पर 2000 करोड़ घोटाला का आरोप है, और इन तमाम लोगों की तस्वीरें डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है घोटाला बंधन। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली परिवार है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में है, मोदी का असली परिवार और उनके जो सदस्य हैं परिवार के, उनकी चर्चा की जा रही है। आगे कंचना है, वो लिख रही है मोदी का परिवार बेरोजगारी, मोदी का परिवार महंगाई, मोदी का परिवार पूंजीपति, मोदी का परिवार अपराध, मोदी का परिवार हेट स्पीच, मोदी का परिवार हिंसा, मोदी का परिवार सांप्रदायिकता, मोदी का असली परिवार। ये लगाया जा रहा फोटो, कार्टून वाली तस्वीरें डाली जा रही है, अलग अलग चीज़ें लिखी जा रहा है और हर तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आलोचक हैं, विरोधी हैं, इसी प्रकार से जो तस्वीरें हैं वो लगा रहे हैं। और कई तस्वीरें हैं, एक तरफ अडानी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की तस्वीरें लगी हुई है, दूसरे तरफ ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, राम दुलारे जैसे वैसे नेता जिनके ऊपर कई दाग लगे हुए हैं, मोदी का असली परिवार होने के दावे उनके ऊपर किया जा रहा है, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, संगीत सोम, कपिल मिश्रा इनके ऊपर आरोप है, अजय मिश्रा, संजीव बलियान, वीरेंद्र सिंह, पुलकित आर्या इन सभी के ऊपर कई आरोप की चर्चा की जा रही है और मोदी का असली परिवार दिखाया जा रहा है और इनके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो लगाई जा रही है और लगातार इस प्रकार की तस्वीरें लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली परिवार और राहुल गांधी का परिवार, अलग अलग तस्वीरें लगाए जा रहे हैं कि कौन किसका परिवार है और आज ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली परिवार, अब जरूर देखिए पोस्टर लगा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली परिवार की और इस पर अलग अलग बातें, जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के खिलाफ जो आरोप है वो लगाया जा रहा है, स्मृति ईरानी जी को लेकर लिखा जा रहा है कि स्मृति जी बिल्कुल सही और ईमानदारी से लिखी है, रिश्ते को सार्वजनिक करने के लिए शुक्रिया और बधाई, मेरे गाँव में हम लोगों से पहले वाली पीढ़ी आज भी अपने पत्नी को हमर परिवार कहकर संबोधित करते हैं, मोदी का असली परिवार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार पूरा देश है और पूरे देश के हर व्यक्ति मोदी के परिवार के सदस्य हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने जो है बायो बदल दिया प्रोफाइल में, सभी ने लिखा है मोदी का परिवार, जिसके बाद आज ट्रेंडिंग में मोदी का असली परिवार सबसे ऊपर है। इस बीच गैंगरेप के तीनों आरोपी कुलदीप पांडे, सक्षम पटेल, आनंद रूप अभिषेक चौहान, जो बीएचयू से जुड़ा हुआ मामला है, उस मामले में कहा जा रहा है कि ये भी मोदी के असली परिवार हैं और सभी
बीजेपी आईटी सेल के सदस्य हैं। तो इस तरीके से तमाम लोगों की तस्वीरें डालकर भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार का नाम जोड़ने के बाद असली परिवार की चर्चा और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कौन है मोदी का असली परिवार का ट्रेंडिंग चल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।